नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं SBI न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करने वाले हैं मीसा भारती। मनी लॉन्ड्रिंग मामला, ईडी ने किया मीसा भारती का फार्म हाउस जब्त। देखिए, और बात करो लालू यादव की, तो लालू यादव पर भी भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, चारा घोटाले का आरोप लगा है और जेल में सजा काट रहे हैं। तो देखने को कुल मिलाकर ये मिल रहा है कि अभी भी छापेमारी चल रही है और जांच पड़ताल चल रही है घोटाले को लेकर। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी अब उनकी अन्य संपत्तियों को भी जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर चुका है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती और उनके पति शैलेश यादव का दिल्ली में एक फार्म हाउस प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने जब्त कर लिया है। ईडी ने कोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई की। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी अब उनकी अन्य संपत्तियों को भी जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर चुका है। क्या है मामला, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, केंद्रीय जांच एजेंसी की जांच के मुताबिक यह संपत्ति मीसा भारती और उनके पति शैलेश कुमार की है। मिसेल्स पैकर्स एंड प्रिंटर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से फार्म हाउस की यह संपत्ति है। सीबीआई की जांच में पता चला है कि फार्म हाउस 2008 में मनी लॉन्ड्रिंग में हासिल 1.2 करोड़ रुपए के इस्तेमाल का खरीदा गया था। देखिए, ईडी को पता चला कि ये जो पैसे खरीदे गए पैसे गलत हैं और गलत तरीके से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर मैं लालू प्रसाद यादव की बात कर लेता हूँ, तो लालू प्रसाद यादव पर चारा घोटाले का आरोप लगा है। हालांकि लालू प्रसाद यादव ने इस बात से इनकार किया है कि उन्होंने कोई घोटाला नहीं किया है, लेकिन जब जांच की गई और जब छापेमारी की गई तो सब कुछ सामने आ गया और पता चला कि चारा घोटाले में लालू यादव ने बहुत बड़ा घोटाला किया और उन्हें सजा भी हुई, जेल में सजा काट रहे। अब देखिए, जिस तरह से ईडी ने शिकंजा कसा है और जिस तरह से लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। मीसा भारती की अगर बात की जाए, तो मीसा भारती के जो अन्य जमीन जायदाद हैं उन पर भी ईडी ने छापा मारना शुरू कर दिया है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि दिल्ली में उनका एक फार्म हाउस था, उस फार्म हाउस पर ईडी ने छापा मारा और जब छापेमारी की तो पता चला कि ये जो खरीदा गया है फार्म हाउस, ये जो पैसे लिए गए हैं ये गलत पैसे से खरीदे गए। और इस मामले पर जिस तरह से आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव, लालू के बेटे तेजस्वी यादव ने भी रुख साफ किया, उन्होंने कहा साफ साफ केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार नहीं चाहती कि उनका परिवार खुशी में रहे। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि सरकार एक चाल चल रही है और वो हमारे परिवार को फंसाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उन्होंने कहा था कि हम डरने वाले नहीं हैं और सच्चाई का साथ देंगे। जिस तरह से तेजस्वी यादव ने अपने बयान में कहा, और बात करूँ लालू यादव की, लालू यादव के जेल जाने के बाद आरजेडी की जिम्मेदारी जो है तेजस्वी यादव और तेज प्रताप दोनों ने संभाल रखी है और दोनों ही जो है विपक्ष जो कह सकते हैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर निशाना साधते रहते हैं। हालांकि तेजस्वी यादव ने कई बार बोला है कि बिहार में गुंडागर्दी हो रही है, बिहार में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, सरेआम जो है महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की जाती है, ऐसे कई आरोप उन्होंने लगाए हैं। उनका कहना है कि सरकार इस मामले पर ध्यान नहीं देती, लेकिन वो हमारे परिवार को जानबूझकर फंसाने में लगी है और वो जो है हमें गलत तरीके से फंसा रही है, ये कहना है तेजस्वी यादव का। तो तेजस्वी यादव जिस तरह से राज्य सरकार पर, नीतीश सरकार पर निशाना साध रहे हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि उनकी किस तरह से वो डरे हुए हैं और कहीं ना कहीं वो काफ़ी नाराज भी हैं। और आपको मैं यहाँ पर एक और जानकारी दे दूँ कि लालू प्रसाद यादव के साथ जो जेड सिक्योरिटी रहती थी उसको भी हटा लिया गया और इस तरह की बात की गई कि लालू को जेड सिक्योरिटी की कोई ज़रूरत नहीं है। तो पहले जब सिक्योरिटी हटाई गई तो उस दौरान लालू यादव काफ़ी परेशान थे और लालू यादव ने साफ तौर पर कहा था कि केंद्र सरकार और नीतीश सरकार उन पर निशाना साध रही है, उन्हें बेवजह फंसा रही है और उन पर जो है क्या निजी तरीके से जो है उन पर हमला कर रही है। उन्होंने ये भी बोला था कि इस बिहार में जो है कई गलत काम हो रहे हैं और बिहार में जो है स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन उसकी तरफ सरकार का ध्यान नहीं है
और वो हमारे ऊपर जो है, यानी कि लालू ने कहा था कि उनके परिवार के ऊपर नीतीश सरकार जो है वो शिकंजा कस रही है और बेवजह जो है उन्हें परेशान भी कर रही है, ये कहना था लालू यादव का। देखिए अगर अब रिपोर्ट्स की तरफ बात कर लेता हूँ तो जारी है ईडी की जांच पड़ताल। ईडी 8,000 करोड़ रुपए में के कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रहा है, जिसके तहत आरजेडी राज्यसभा सांसद मीसा भारती और उनके पति पर कार्रवाई हो रही है। इस फर्जीवाड़े में कुछ कंपनियों और दिल्ली के दो कथित एंट्री ऑपरेटर सुरेंद्र जैन व वीरभद्र जैन की संलिप्तता बताई जा रही है। देखिए 8,000 करोड़ रुपए के कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच हो रही है और आरजेडी राज्यसभा सांसद मीसा भारती और उनके पति पर कार्रवाई हो रही है। यानी कि कुल मिलाकर यह है कि ईडी अभी भी छापेमारी कर रही है, पूछताछ कर रही है कि और कितनी संपत्तियां हैं मीसा भारती के पास और कितनी जायदाद है और कैसे कैसे जो है गलत तरीक़ों से उन्हें खरीदा गया है, सभी मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। तो यहाँ पर देखने को एक चीज़ मिलता है कि जो भी भले ही आप घोटाला कर लें या फिर भले ही जो है गलत तरीके से जो है पैसे लेके जो है संपत्तियां खरीद ले, लेकिन आखिरकार उसकी पोल तो खुलती है, जैसा कि यहाँ पर देखने को मिला है। लालू यादव पर चारा घोटाले का आरोप लगा था और जैसा कि धीरे धीरे ये मामला जो है बढ़ा और आखिरकार सच सामने आ गया कि लालू यादव पर जो आरोप लगे थे वो सही साबित हुए कि चारा घोटाले में वो संलिप्त थे और बाकायदा उन्हें सजा भी सुनाई गई। और अभी भी देखिए जांच पड़ताल चल रही है और मीसा भारती पर जो है ईडी ने शिकंजा कसा है, उनकी जो प्रॉपर्टी है उस पर जो है कह सकते हैं किस तरह से जांच पड़ताल की जा रही है और जिस तरह से जो है ईडी छापेमारी कर रही है, तो इसमें साफ देखने को मिल रहा है कि पुलिस अपना मुस्तैदी से काम कर रही है, ईडी प्रवर्तन निदेशालय अपना काम बखूबी तरह से अदा कर रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लालू यादव की परेशानियां तो बढ़ ही रही हैं, साथ ही साथ मीसा भारती की परेशानियां भी बढ़ रही हैं। देखिए दिल्ली के दो कथित एंट्री ऑपरेटर सुरेंद्र व वीरेंद्र जैन की भी संलिप्तता बताई जा रही है, यानी कि दिल्ली के दो कथित एंट्री ऑपरेटर हैं सुरेंद्र जैन और वीरेंद्र जैन, और बताया जा रहा है कि वो भी इस मामले में संलिप्त है। हालांकि ईडी जाँच कर रही है और जाँच के दौरान ही ये बात पता चलेगा कि ये दोनों संलिप्त है या नहीं, लेकिन जिस तरह से देखिए देखने को मिला कि फर्जीवाड़े तरीके से इतनी अवैध संपत्ति जो है लालू ने बनाई और कहीं ना कहीं जिस तरह से उन्होंने इतना बड़ा घोटाला किया, तो देर सवेर ही सही लेकिन इसका खुलासा हुआ और जब खुलासा हुआ तो सारा कुछ मामला सामने निकल कर आ गया। जी हाँ अगर बात करूँ तो देखिए तेज प्रताप यादव ने बौखलाहट में आकर कह सकते हैं कि एक उटपटा अटपटा जो है बयान भी दे दिया था। बीते कुछ दिनों पहले तेज प्रताप यादव ने पीएम नरेंद्र मोदी पर इस तरह एक गलत तरीके से टिप्पणी की थी और टिप्पणी करने के बाद जो है उनका मामला काफ़ी चर्चाओं में आ गया था और नीतीश सरकार ने जो है इस मामले पर हमला बोला था, उन्होंने साफ कहा था। साथ ही साथ जो सुशील मोदी हैं उन्होंने भी जो है निशाना साधा था तेज प्रताप पर कि उन्हें इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए, इस तरह अपनी मर्यादाओं को याद रखना चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी हवाला दिया था कि आप एक पार्टी के नेता हैं और क्या बयानबाजी करते हैं, यह आपको सोच समझकर बोलना चाहिए। तो देखिए जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं और साथ ही साथ उनकी जो बौखलाहट है वो भी नज़र आ रही है, लेकिन जो काले कारनामे हैं वो जिस तरह से सामने आ रहे हैं और जिस तरह से ईडी ने छापा भी मारा है, तो ये सब चीज़ें इशारा इशारा करती हैं कि बहुत ही सही ढंग से काम किया जा रहा है। और जो ईडी है वो मीसा भारती के कई फार्म हाउस हैं और कई जो जमीन जायदाद हैं उन पर भी कार्रवाई कर रही है, उन पर भी छापेमारी कर रही है। तो अभी और जो है छापेमारी चल रही है और उसमें और खुलासे होने बाकी हैं, लेकिन ऐसे में मीसा भारती की मुश्किलें बढ़ गई हैं और साथ ही साथ अब उन पर तलवार भी लटक रही है कि अब उन्हें जवाब भी देना होगा कि आखिरकार इतनी संपत्तियां आई कैसे और इतने पैसे आए कहाँ से इसको खरीदने के लिए। तो देखिए अब लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ रही हैं और जिस तरह से मीसा भारती का मामला यहाँ पर आया कि ईडी ने किया है मीसा भारती की फार्म हाउस को जब्त, तो ईडी ने कहा है कि अभी और जांच पड़ताल चल रही है, लेकिन देखने वाली बात तो ये रहेगी कि जिस तरह से जांच पड़ताल चल रही है वो कितनी और बढ़ेगी और क्या मीसा भारती की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं।
बहरहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, अगली बार आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले इजाजत दीजिए, नमस्कार। Subscribe and press the bell icon for latest updates.